Yo, what's happening guys? My name is Loggy और आज हम फिर से अपने One Block वाली सीरीज के अंदर मौजूद हैं और गाइज आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि गाइज वी आर गेटिंग सो क्लोज टू 7 million सब्सक्राइबर्स। खाना दे, कुछ खाना पीने के लिए खाना कुछ नहीं है मेरे पास। हाँ, वैसे भाई मैं तो लिटरली यहाँ पर भाग भी नहीं सकता, मेरी इतनी हंगर यहाँ पर कम हो चुकी है। लेकिन ये लो भाई, मुक्का खाएगा नहीं तो। ये लो भाई, मेरे पास 2 यहाँ पर एप्पल्स है तो ये खा लो। और सुनो, मेरे पास यहाँ पर 2 अनकुक्ड मटन है भाई, मेरे पास 2 रॉ मटन है, तो एक काम करते हैं, मेरे पास ढेर सारा स्टोन भी है तो पहले हम इसका बनाएंगे फर्नेस और उसके बाद थोड़ी बहुत इसके अंदर डालेंगे लकड़ी ताकि ये थोड़ा बहुत खाना भी हमारा कुक हो जाए। जल्दी कर, हमारे पास बर्न करने के लिए बहुत सारी लकड़ी आ चुकी है। गाइस आई थिंक आज के दिन के अंदर हमारी खाने पीने की जो समस्या है वो एकदम से हल हो जाएगी। और आगे बढ़ने से पहले गाइस मैं आपको बता देता हूं कि आज की वीडियो में हम बुलाएंगे अपने लिए शानदार घर। गो, हम यहां पर आज पूरा मेंशन बना देंगे भाई, 5-story मेंशन भाई, क्लाउड के ऊपर तक जाएगा ये मेंशन। तो भाई क्या रैबिट भाग भाग के मेरे पीछे है, चल भाई यहां पर है। लेट्स गो, हमारे सारे ट्रीज भी यहाँ पर गाइस उग चुके हैं। जो गाइस लास्ट टाइम चपाती भाई ने यहाँ पर ट्री फार्म बनाया था, यहाँ पर सारे ट्रीज उग चुके हैं। लेट्स गो। तो गाइस अगर आज रैबिट ने ज्यादा मचमच करने की कोशिश की तो आज हम खाने में रैबिट खाएंगे। ओके सुनो भाई, और एक्चुअली पीछे देखो यहाँ पर रात भी होने वाली है। लेकिन लास्ट टाइम आपको याद होगा कि एंड ऑफ द वीडियो तक हमें यहाँ पर मिल गया था आयरन और मेरे पास तो ऑल्सो कोयला भी है भाई। हम लकड़ी क्यों बर्न कर रहे हैं, कितनी सारी लकड़ी पड़ी वो जलाओ उसको। अबे मेरे पास कोयला है, मैंने कोयला डाल दिया और मैं सोचूं कि हमारे पास जो 2 आयरन ओर्स आ गए हैं इसका हम बनाएंगे शीयर्स। और जैसे ही हमने शीप को शीयर कर दिया हम फिर बेड्स भी बना सकते हैं और हमसे शीप भी नहीं घूमेगी। और दूसरी बात गाइस, वहां पर हमारी फसल भी उग चुकी है और उगने वाली है तो हमें इसको तोड़ के ना पहले ठूसने आ गए भाई। और मैं निकल, चल निकल यहां से, आज हम मटन खाएंगे। इसके सामने हम मटन खाएंगे। अंडा पड़ा हुआ तो ये गाइस मैंने अंडा उठाया तो अंडा मैं अपने चिकन वाले फार्म के अंदर मारूं तो। अरे यहां पर भी अंडा पड़ा है, मार दो मार दो खाली अंडा। और अगर मैं मारूं तो कुछ भी नहीं निकला यार, ट्रोल हो गया मैं। रिफंड चाहिए अबे चिकन का। एक मिनट भाई, एक अंडा वहां पर भी पड़ा है, ये देखो भाई, ये भाई एकदम से फ्रेश अंडा भी निकला है भाई। मुझे स्मेल से ही पता लग गया। मार यहां पे मार। और अगर मैंने ये अंडा मार दिया तो कुछ भी नहीं हुआ यार। तो गाइस प्रूव हो गया, जितना भी फ्रेश अंडा हुआ माइनक्राफ्ट में गाइस जितना भी अंडा फ्रेश है वो पॉइंटलेस है। ओके गाइस यहां पर ऑलमोस्ट रात भी होने वाली है, हमारा 2 आयरन तो गाइस यहां पर तैयार हो चुका है। तो अभी गाइस मुझे जल्दी से यहां पर बनाने हैं शीयर्स। और गाइस अभी मेरे पास शीयर्स भी आ चुके हैं और हमारे पास इनफ शीप है। तो गाइस पहले मैं इस वाली के ऊपर क्लिक करूंगा और सिर्फ एक ही मुझे मिला यार। लेकिन मुझे पता है ये वाली शीप भाई हमें 3-3 वुल्स देगी। और लेट्स गो, मुझे एक्चुअली 3 मिले। ये मेरे पास लकड़ी कुछ ज्यादा ही आ चुकी है, इसके बना 2 बेड। हां भाई 3, तो मेरे पास सिर्फ, तो मेरे पास फिलहाल सिर्फ एक ही बेड का इनफ है। तो पहले गाइस एक काम करता हूं, मैं यहां पर एक बेड बना लेता हूं और इस बेड को गाइस हम रखेंगे एकदम से इस खुली जगह के अंदर। और ये देखो गाइस अपना पहला, आपका बेड तो मैं भूल ही गया भाई, वो शीप खत्म हो गई यार, अपनी शीप खत्म हो गई। ले एक और शीप यहां पर पहाड़ों के अंदर घूम रही थी, मैंने भी उसको देखा यार। वो ये वो ट्री के ऊपर चढ़ गई थी, कहां भाग गई वो शीप? ऊपर है क्या? ए यार हेलो शीप, कहां पर है वो? हेलो ये नीचे यार शीप, भाग गई यार शीप, भाग गई वहां से। दिस बिहेवियर ब्रो, हमें शीप चाहिए, एटलीस्ट एक शीप तो दे दो यार। तू एक काम कर, लॉगिन मैं गेम छोड़ता हूं, तू सो जा ठीक है? ओ ये हां सही आईडिया है ना, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। भागो यहां से, भागो, छोड़ दे चल, चिकन बेड के ऊपर हट भाई, चिकन यहां से भाई, ये मेरा बेड है। और कम ऑन भाई, कल सुबह हो गई। ओके गाइस यार फाइनली सुबह हो चुकी है, चपाती भाई फिर से गेम के अंदर आ जाओ, लेट्स गो। और ये देखो अपनी वीट भी यहाँ पर फुली उग चुकी है। और गाइस जैसे ही हम इसको तोड़ेंगे इसके अंदर से निकलेगी वीट और सीड्स भी हमें मिलेंगी। तो मैं सोचूं कि पहले ये जो गाय है ये पहले इन फेंसेस के पीछे डाल देते हैं इनको। चल ठीक है आ जा। तो आ जाओ भाई, गाय एकदम से स्लोली स्लोली आना। ये लोग भी आ गए भाई पहले से, मुझे पता नहीं था कि मशरूम काउस को भी वीट लगती है। अरे 2-2 काउस है यहाँ पे मशरूम वाली, एक एक करके आना। चपाती भाई थोड़ा सा नच करो उनको, एक एक करके आना। ओके अबे आ ही नहीं रही है भाई अभी दोनों ने। ये चुमू कहाँ खड़ा, ये देख ले इसको। हेलो बिकी है ये, खुदकुशी करनी है क्या? नीचे आ जा, मार के चौका मार के अंदर ही फेंक देती है। हाँ, नाइस नाइस नाइस। ओके भाई, ओके गाइस हम फाइनली अपने यहाँ पर काउस भी अंदर आ चुके हैं और चपाती भाई ने मुझे ही अंदर बंद कर दिया। और सुनो भाई, मैं सोचो कि अभी हम यहाँ पर बनाएंगे एक बड़ा सा कॉबलस्टोन वाला प्लेटफॉर्म और उसके ऊपर हम बनाएंगे अपना शानदार घर। और घर बनाने के लिए लोग इधर को चाहिए होगी बहुत ज्यादा लकड़ी, और लकड़ी की टेंशन नॉट भाई, लकड़ी एकदम हमारे पास अनलिमिटेड हो चुकी है सप्लाई। और गाइस एक काम करते हैं, आ जाओ भाई पहले इन चिकन्स को यहाँ पर ब्रीड कर देते हैं ताकि हमारे पास और आ जाएं। तो इसको भी सीट खिला और इसको भी सीट खिला, अबे खा ले, हेलो फ्री का दे रहा हूं। मस्त वाला आईडिया है, बोलो बोलो क्या बोलो। हम ये कंपोस्टर के अंदर ये लीफ डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते? लीफ, ओ ये आजो ट्राई करके देखते हैं। तो गाइस मैं काम करता हूं, पहले यहां पर थोड़े बहुत ऐसे लीव्स यहां पर तोड़ देता हूं। और अभी अगर मैं इसके ऊपर ऐसे क्लिक करूं तो एक्चुअली डल रहे हैं। अरे तो लीजिए गाइस, अनलिमिटेड बोन मिल की सप्लाई हमारे पास आ चुकी है, क्या बात है। चपाती भाई का 200 IQ प्लान भाई, पहली बार आपने सही काम किया है। नाइस, मैं तेरे को कल से अच्छे अच्छे काम बता रहा हूं, तेरे को मैंने बोला था कि कंपोस्टर बनाते हैं इसके अंदर से बोन मिल निकालेंगे। ओ ये हां, वैसे ये भी सही बात है। तो गाइस शाउट आउट टू चपाती भाई। ओके चल इसके ऊपर लगा, मेरे को काम किया मेरा बोन मिल, ये रहा बोन मिल की। और एक काम करते हैं, बोन मिल हम सीधा मार देते हैं। अबे घास के ऊपर मार। ओ ये हां, आ जाओ मैं ट्री के ऊपर मारता हूं। अबे नहीं, क्या अबे पागल है क्या, घास के ऊपर मार, हमें सीट चाहिए। अच्छा सीट, ऐसा बोलो ना फिर। ये लो भाई मैंने यहां पर मार दिए,
बड़ा बंदा यार, क्या पागलों के साथ गेम खेल रहा हूं यहां पर। सीट नहीं निकली तेरा। अबे भाई ये तो लक के ऊपर है भाई, इसमें मेरी गलती नहीं है। एक मिनट, पहले एक काम करता गाइस, मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत ऐसे वुड जला देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर चाहिए खाना, क्योंकि गाइस मेरी हंगर बहुत ज्यादा कम हो रही है। मेरे को शेयर दे, तब तक मैं कंपोस्टर के अंदर बोन मील बताता हूँ। हाँ ये लो मेरे पास एक एक्स्ट्रा लीफ भी है, ये भी ले लो। और भाई लाइन के ऊपर क्या सैपलिंग्स गिर रहे हैं भाई, ट्री के ऊपर से। नाइस, ये तो बहुत सारे सैपलिंग्स निकल रहे हैं। नजारे मतलब सैपलिंग्स को तो फिर से उगाना है, ये नजारे लेने के लिए खड़ा है यहाँ पर। आप उगाते जाओ। और एक काम करता गाइस, अभी मुझे यहाँ पर अपनी माइनिंग कंटिन्यू रखनी है। और गाइस यहाँ से मुझे लेना है बहुत सारा कॉबल स्टोन। और ये कैसा चेस्ट है भाई, इसके अंदर से तो पाद निकल रहे हैं तो मुझे लगता है इसके अंदर पॉइजन का पोशन। अच्छा नहीं पड़ा। अरे यहाँ पर स्प्रूस के सैपलिंग पड़ रहे हैं। और आपको पता ना भाई, स्प्रूस का ट्री कितना ज्यादा बड़ा होता है। चल लगा इसको यहाँ पर, तो यहाँ पर गाइस मैंने अभी दो लगा दिए। अच्छा मुझे तीन मिले। अबे यार चपाती भाई, नूबड़े कहीं कि हमारी शियर यहाँ पर चली गई। मेरे पास बहुत सारी लकड़ी थी यार। अरे यार ये चपाती भाई की वजह से गाइस हम यहाँ पर, भाई मुझे लगता है गाइस चपाती भाई की वजह से हम यहाँ पर फेल कर रहे हैं। सॉरी ब्रो, मेरे पास बहुत सारी लकड़ी थी, लेकिन कोई बात नहीं, लकड़ी हमारे चश्मों के अंदर भी पड़ी होगी, वो भी पूछ ले। जितनी लकड़ी मैंने यहाँ पर तोड़ी थी सारी गई। और ये कहाँ से आ गया भाई? अबे हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी काउज हैं। कोई बात नहीं, इसको भी यहाँ पर रहने दो। और ये कौन सी चीज है? वैरायटी चेस्ट भाई, इसका तो कुछ नाम ही अलग है। वैरायटी है ही नहीं। क्या मैं तोड़ता हूँ इसको हाथ से यार? हाँ तोड़ो। हमें आयरन चाहिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज गाइस हमारे लिए सिर्फ आयरन ही है, क्योंकि आयरन से बनेगा बोन मील यार। ओ या, और लेट्स गो, हमें कोयला भी मिला गाइस। कोयला भी हमें चाहिए स्मेल्टिंग के लिए। तो देख ले लगे हमारी प्लानिंग गाइस कितनी मस्त हो रही है। हम बना रहे हैं आयरन से बोन मील। ये कहाँ से आ गए भाई? ये चूहू लोग कहाँ से आ गए? इनको यहीं पर ही रहने दो। कड़ी माइनिंग करने के बाद हमारे पास यहाँ पर फाइनली आ चुके दो आयरन ओर। तो एक काम करते हैं, ये दो आयरन ओर गाइस मैं इसके अंदर रख देता हूँ। और मैंने चपाती भाई को गाइस 2 घंटे पहले बोला था कि यहाँ पर और माइनिंग करनी है, लेकिन वो भाग गए यहाँ से। तो मैं वैसे भाई वुड तो मेरे पास यहाँ पर काफी आ चुकी है भाई, मैंने पूरी पिकैक्स यहाँ पर तोड़ दी। और मेरे पास यहाँ पर गाइस आ चुके हैं 41 ओक लॉग्स। तो गाइस मैं सोचूं कि गाइस जो घर का हमारा जो आउटलाइन है, मैं इस ओक लॉग्स के साथ बनाऊंगा। और ऑल्सो गाइस हमने यहाँ पर प्लान में थोड़ा बहुत चेंज कर दिया। गाइस हमने यहाँ पर सोचा था कि यहाँ पर कॉबलस्टोन के साथ एक्सपेंडिंग करेंगे, लेकिन गाइस अभी प्रॉब्लम ये कि हमारे पास गाइस यहाँ पर वुड की सप्लाई इन्फिनिट है। तो गाइस हमने ये सोचा कि हम यहाँ पर वुड के साथ एक्सपेंडिंग करते हैं और कॉबलस्टोन गाइस हम यूज करेंगे नेक्स्ट टाइम, अगर गाइस हमें मॉब स्पॉनर बनाना हो तो। पहले गाइस मैं सोच रहा हूँ 4 ब्लॉक्स यहाँ से ऐसे ऊपर जाएगा, फिर गाइस मुझे बीच में छोड़ने हैं 5 ब्लॉक्स। अरे ये ट्रेडर कहाँ से आ गया? अरे क्या ट्रेड कर रहा है? अरे भाई वैसे चीजें तो, ये क्या चोमू वाली चीजें ट्रेड कर रहा है हमारे साथ? अबे रहने दो भाई, वो अबे वो उसके पास भाई, उसके साथ लामाज है भाई, वो छोड़ेंगे नहीं आपको। बहुत बढ़िया चावादी। अरे हाँ स्पाइडर, अरे नाइस स्पाइडर की जय हो भाई, स्पाइडर की जय हो। यहाँ पर पूरा वॉर हो चुका है, वॉर हो चुका है यहाँ पर। अरे लेट्स गो। और मुझे लीड भी मिली, क्या बात है। हमें एक्चुअली में लीड चाहिए। एक काम करते हैं लॉगी, एक फेंस बनाते हैं और ये लीड से ना मकड़ी को यहाँ पर टेम कर देते हैं। आजा। अबे मकड़ी को कौन टेम करता है? आपको पता ना, जैसे ही रात हुई वो वहाँ पर भाई क्लाइम करके बाहर आ जाएगी। अच्छा बात सुन, यहाँ पर हमारे पास आयरन भी रेडी हो चुका है। और आयरन का सबसे पहले गाइस हम बनाएंगे यहाँ पर अपने लिए शियर। तो गाइस अभी मैंने यहाँ पर 5 ब्लॉक की यहाँ पर गैप रख दिया है। और गाइस अभी मुझे अपनी घर की आउटलाइनिंग कंटिन्यू रखनी है। और यहाँ पर हमारा प्लेटफॉर्म भी थोड़ा बहुत छोटा पड़ चुका है, तो एक काम करते हैं गाइस, अभी मुझे इसको यहाँ पर थोड़ा बहुत ऐसे एक्सपेंड करना है। तो गाइस यहाँ पर प्लेटफॉर्म एक्सपेंड करते करते मेरी सारी लकड़ी यहाँ पर खत्म हो चुकी है जो मैंने बचाई थी। लेकिन आई थिंक गाइस यहाँ पर हमारे चेस्टों के अंदर यहाँ पर बहुत सारी पड़ी होगी। अरे ये रे यार, नाइस, यहाँ पर बहुत ज्यादा पड़ी है। और गाइस अभी मैं सोचो कि मैं पहले इस चिकन को मार लूं, क्योंकि हमारे पास लिटरली गाइस यहाँ पर खाना तो है नहीं। ए भाई चिकन को हमें लगाइयो। आपको पता ना भाई, हमने हमारे पास ऑलरेडी 3 चिकन है और अभी हमारे पास सीड भी आ चुके, तो हम बाद में उनको ब्रीड भी कर सकते हैं। खुद चिकन मार रहे, खा रहा, मेरे को बेरीज खिलवा रहा है, तरबूज खिलवा रहा है, क्या ये चूहू बनती है? ये तो मैं भूल ही गया भाई, मेरे पास यहाँ पर 43 तरबूज है यार, इसके बारे में तो मैं भूल ही गया। थैंक यू चपाती भाई। और मशरूम गाय पहले से ही अंदर घुस गई, क्या कर रही है बाहर निकल? हमारा घर अभी तक तैयार ही नहीं हुआ है और चपाती भाई क्या कर रहे? अबे नूबड़े कहेंगे क्या कर रहे भाई, आपने सीट नीचे फेंक दी है। कोई बात नहीं, मैं तेरी बातों में आ गया, मैं फ्लावर नीचे फेंक रहा था, जो गंद पड़ा हुआ है मैं नीचे फेंक रहा था। अबे चेस्टों के अंदर रख दो, अभी हमारे पास गाइस 3-4 चेस्ट अभी तक खाली पड़े हैं। तो गाइस ये रही अपनी घर की आउटलाइन, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने छोटा सा ऐसे बड़ा बना दिया, लेकिन कोई बात नहीं भाई। और गाइस अभी मैं सोचूं कि जो हमने यहाँ पर बर्च वुड इकट्ठी किया जो ये रही, इसका गाइस हम पहले यहाँ पर बनाएंगे प्लैंक्स। और मैं सोचूं कि पूरा घर हम बनाएंगे भाई बर्च वुड के साथ। कम ऑन जल्दी कर, क्या कर रहा है? मेरे को आज की रात जो है अंधेरे में नहीं बितानी पा रहा, हम घर के अंदर जाके कोजी चिकन खाएंगे। हमारा चिकन भी रेडी हो रहा है और हमारा घर भी एकदम से मस्त बन रहा है। हाँ मैं बना रहा हूँ, टेंशन मत करो। और एक काम करते गाइस, मैं थोड़े बहुत ऐसे लॉग्स यहाँ पर भी लगा देता हूँ, अभी बहुत ज्यादा मस्त लग रहा है। बच्चा मेरे पास बहुत माला। क्या क्या क्यों आ रहा है? अबे ये कहाँ से आ गया? अबे आप आगे जाते जाओ, मैं इसको पीछे से धक्का दे देता हूँ। ये ले भाई, क्या आइलैंड के ऊपर रेड मारने की कोशिश कर रहा है? मार दिया मैंने उसको। मेरे पास कोयला भी आ चुका है, यहाँ पर अपने फर्नेस के अंदर। और गलती से भी तरबूज मत डाल दी उनके अंदर भाई। चलो भाई निकालो सारी बर्च वुड जो आपने माइन की है।
मेरे पास बहुत सारी है, बहुत सारी है। अच्छा, ऐसा क्या, ये क्या दो दाने लोग मुझे दे या ना? नाइस, मेरे पास यार किसी दुबड़े ने पूरा ट्री तोड़ दिया था। कौन था? ओ ये तो लॉग ही था। सॉरी सॉरी भाई, गलती हो गई थी। और चलो भाई अभी आप फिर माइनिंग कंटिन्यू रखो। तो गाइस कड़ी मेहनत करने के बाद मेरे पास यहाँ पर फाइनली आ चुकी है ढेर सारी बर्च प्लैंक्स। और गाइस आप मान भी नहीं सकते चपाती भाई ने अभी क्या बोला। गाइस उनको लगा कि ये जो मैं प्लैंक्स यहाँ पर रख रहा हूँ, उनको लगा कि ये यहाँ पर ओक प्लैंक्स में लगा रहा हूँ। चोमू ये बात उन्हें वीडियो के अंदर नहीं बोलनी थी। सॉरी, बेइज्जती कर रहा अपनी। अरे भाई मैं सिर्फ बता रहा हूँ भाई, मैं व्यूअर्स को बता रहा हूँ। यार मैंने यहाँ पर थोड़ी सी ऐसी गलती मैंने कर दी। रखो रखो रखो, इस वाले ब्लॉक को भी रखो। और फाइनली गाइस बाहर से तो गाइस हमारा घर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और गाइस अभी सिर्फ हम यहाँ पर अंदर की डेकोरेशन कर दी। और ये लोग पहले से यहाँ पर घुस गए। और गाइस मैं सोच रहा हूँ कि जो हमारे पास बाकी ये जो स्प्रूस के प्लैंक्स है, मैं सोच रहा हूँ कि इनकी बनाते हैं ढेर सारी स्टेयर्स। और गाइस स्टेयर्स हम बनाएंगे ऐसे बार आउटलाइन के लिए। लगाओ 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 गाइस, ऐसे गाइस मुझे पहले यहाँ पर स्टेयर्स लगानी है। और क्या मस्त लग रहा है गाइस हमारा घर ऑलरेडी। और अभी गाइस मुझे जल्दी से ऊपर जाकर यहाँ पर अभी अपना रूफ यहाँ पर कंप्लीट करना है। और गाइस मैं सोच रहा हूँ कि जो हमारे पास ये बाकी जो बर्च प्लैंक्स है, इसका गाइस मैं यहाँ पर पूरा रूफ भी यहाँ पर कवर कर देता हूँ। अरे नाइस, ये तो कुछ ज्यादा ही भाई। वैसे हमें इतनी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं। इधर आइए, देख क्या 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 आपने कर दिया। मेरे पास इतना बोन मील आ चुका है ना, मैंने सारी लीव चला। अरे नाइस भाई, चपाती भाई ने क्या यहाँ पर मेहनत की है। अबे कितनी लीव्स आपके पास आ चुकी है। नाइस भाई, चपाती भाई ने तो गाइस यहाँ पर सही मेहनत करके रखी है। अबे क्या कर रहे हो भाई, भैरी से नहीं मरना है। और आजा तू क्या भाई घर के अंदर कैंपिंग कर रहा है? तेरा घर नहीं है, तेरा घर यहाँ पर बाहर है। वो देखो वो पीछे से आ गया। और इसी के साथ ही गाइस हमारी दो शिप्स कन्वर्ट हो चुकी है तीन शिप्स में। लेट्स गो। और काम करते आ जाओ भाई, इनको मैं थोड़ा बहुत और यहाँ पर ब्रीड कर देता हूँ। तेरे को चिकन को भी देना है? ओ ये मुझे चिकन को भी देना है। ये लो खा लो सारे चिकन खा लो। और मेरे को तीन चिकन के चाहिए, 300 चिकन। यहाँ पर हम भाई रेस्टोरेंट खोलेंगे ऊपर एलियंस के लिए। और जो पहले मैंने यहाँ पर बेड रखा है, पहले गाइस मैं इसको यहाँ पर उठा के सीधा डाल देता हूँ यहाँ पर घर के अंदर। और चपाती भाई आप शीयर्स निकालो और मार दो भाई शीप के ऊपर, ताकि हमारे पास एक और बेड भी आ जाए। तू कर। हाँ थैंक यू। और कम ऑन तीन दे दियो। और लेट्स गो, मुझे पूरी तीन मिली। और गाइस अभी मैं यहाँ पर बना सकता हूँ चपाती भाई के लिए भी एक बेड। अच्छा मेरी यहाँ पर वुड ही खत्म हो चुकी है। अटैची में से बहुत सारी वुड पड़ी हुई है। नाइस, यहाँ पर ढेर सारी चपाती भाई ने रखी है। तो पहले गाइस मुझे इसको कन्वर्ट करना है प्लैंक्स के अंदर। फिर गाइस मुझे यहाँ पर लिखना है बेड। और ये देखो गाइस चपाती भाई का बेड भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आजा लगा, दोनों बेड अंदर लगाते हैं। हाँ भाई, मैंने एकदम से यहाँ पर मैंने लगा दिया। और ये देखो एकदम से मस्त लग रहा है। और एक काम करते हैं, जो गाइस हमारा क्राफ्टिंग टेबल है और ये चेस्ट है, ये सारा घर के अंदर मूव कर देते हैं। और एकदम से गाइस मुझे ध्यान से ये क्राफ्टिंग टेबल तोड़ना है, ताकि ये नीचे ना गिर जाए। अरे यार नीचे गिर गया वो क्राफ्टिंग टेबल। अरे कोई बात नहीं, हमारे पास ढेर सारी वुड है, मैं फिर से एक बना लूंगा। ये ले, ऊपर ही रख दिया तूने। अच्छा ये पड़ा, ये रहा पड़ा है भाई, ये भाई ब्लॉक के ऊपर पड़ा है। चल अंदर लेके जा इसको। हाँ मैंने उठा लिया। और गाइस मैं सोचो कि क्राफ्टिंग टेबल जाएगा एकदम से बीच के अंदर। ओके, उसके बाद दो बार तीन चार चेस्ट पड़े हुए। पहले इस गांव क्यों हटा? एक मिनट भाई, बाहर निकल, एक मिनट, पहले मैं दरवाजा तोड़ दो ताकि ये बाहर निकल जाए। और उसके बाद मेरे को फाइनली ये चेस्ट रखना यहाँ पर। लेट्स गो, आ गई हमारी प्रोग्रेस एकदम खतरनाक हो रही है भाई, देख रहा ना तू? नाइस नाइस नाइस। और ये देखो गाइस, आई थिंक हमारा घर भी यहाँ पर फुल्ली कम्प्लीट हो चुका है एकदम से भाई, मस्त लग रहा है अपना घर तो। और चलो यहाँ पर रात भी हो चुकी है। और गाइस अभी हम अपनी पहली रात यहाँ पर अपने घर के अंदर बिताएंगे। लेट्स गो। तो चलिए गाइस, आई थिंक अब इस वीडियो में इतना ही काफी है। तो होप यू एंजॉय, तो मेक श्योर टू लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब। और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।